हे गाइस, वेलकम टू अभिनय ऑटो व्लॉग्स। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ऑल न्यू फोर्स गुरखा फ्रॉम दी फोर्स पवेलियन ऑटो एक्सपर्ट 2020। ये जो गुरखा है ये नॉर्मल गुरखा है, बट इसको एक कस्टमाइजेशन लुक दिया हुआ है। इसको आप सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मॉडिफाई किया हुआ है, और इसका कुछ लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए अवेलेबल हो रहा है। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको ओवरऑल इसका लुक कैसा लग रहा है। वहीं अगर मैं इसकी कस्टमाइजेशन वर्क की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक मैसिव लुक इस कस्टमाइजेशन के बाद यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। LED DRL के साथ LED हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और फ्रंट में आपको मिल जाते हैं टोइंग के लिए आपको यहाँ पर हिंजेस मिल जाते हैं, जिससे आप इसको ऑफ रोडिंग वगैरह में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। वहीं जो बम्पर्स हैं उनको चेंज किया गया, काफ़ी मैसिव साइज़ में बम्पर्स हैं, और जो फ्लेड व्हील आर्चेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव साइज़ में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। जो व्हील्स हैं, अगर मैं इसकी ओवरऑल व्हील्स की बात करूँ, जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पर रूफ टॉप के ऊपर देखने के लिए अवेलेबल हो रहा है। ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लुक इस कार की यहाँ पर देखने के लिए अवेलेबल हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये PS6 इंजन के अंदर अवेलेबल है, और वहीं साइड्स में आपको मिल रही है गुरखा की ब्रांडिंग। और जो इसका टायर साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपलिस्टिक डिज़ाइन इसका गुरखा का अवेलेबल होता मार्केट के अंदर, उससे डिफरेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहा है। वहीं यहाँ पर हाइड्रोलिक सस्पेंशन का यूज़ किया गया, और जो इसकी हाइट है आप अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस हाइड्रोलिक सस्पेंशन, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वहीं साइड्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसकी देखने के लिए अवेलेबल हो रही है। लैडर्स का भी यूज़ किया गया, जो कि आपको बैक साइड में यहाँ पर देखने के लिए अवेलेबल है। स्पेयर व्हील को बैक साइड से हटा के रूफ टॉप पर प्लेस किया गया, और पीछे प्लेस की गई हैं जेरी कैंस, जिनसे आप ऑफ रोडिंग के लिए इसके अंदर पेट्रोल या डीजल जो भी आपको फिल करना है उसको आप फिल कर सकते हैं, और ऑफ रोडिंग में अगर आपको फिल नहीं कराना है तो आप यहां से लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। पीछे आपको टोइंग के लिए हिंजेस अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। पीछे भी जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन हैं उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। वहीं आप देख सकते हो जो लैडर है वो पीछे भी प्लेस होना है, और जो इसकी हाइट है वो मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस एस नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इतनी ज़्यादा इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है कि कोई भी आदमी नीचे से इजीली यहाँ से पास हो सकता है। गाइस, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको फोर्स मोटर की तरफ से ये जो कस्टमाइजेशन फोर्स गुरखा में की गई है वो ओवरऑल आपको कैसे लगी, कॉमेंट ज़रूर करना। और अगर आपने ये वीडियो देखिए यहाँ तक तो लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के साथ कार से रिलेटेड न्यूज़ रिव्यूज़ वॉकर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।